सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ कतर में, फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए पहुँच चुका हूँ। पैसे नहीं थे, कैसे कैसे जुगाड़ किया है, फिलहाल पहुँच चुका हूँ फीफा के लिए, और आज शाम में जो मैच होने वाला है उसमें मेरी हाजिरी होने वाली है। तो अभी स्टेडियम में बस ऐसे ही देख रहा था, स्टेडियम में क्या है, किधर क्या है, वो पैकेट नजर नहीं आ रहा यार। जो सोशल मीडिया पे पैकेट दिखाई दे रहा था, क्या वो सिर्फ पहले मैच के लिए था? कि अतर मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, हर कुर्सी पे रखा हुआ है, आज नजर नहीं आ रहा यार। लगता है एक ही मैच के लिए था, उसके बाद बजट समझ सकते हैं। काफी भीड़ है यहाँ पे, तकरीबन जिस स्टेडियम में आज मैं मैच देखने वाला हूँ उसकी कैपेसिटी है 80,000 लोगों की। तो 80,000 लोगों के लिए अगर गिफ्ट पैक दिया जाए, रियाल नहीं दिरहम दिनार में, कितना बनता है यार? काफी बन जाता है। तो फिलहाल उसका छोड़ो यार, गिफ्ट को आज मैं मेसी से मिलने वाला हूँ, रोनाल्डिनो से मिलने वाला हूँ, रोनाल्डो से मिलने वाला हूँ, इतना खुश हूँ यार मत पूछो। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचने में जो दिक्कतें आई है ना, वो मैं जानता हूँ या मेरा दिल। सो गाइज, ये है फीफा का मैदान, और ये हमारी इस साइड में आप देख सकते हैं कुछ बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे, पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। लगता है कतर का कतरा मुंह में चला गया, इनके बोलना ही नहीं आता यार, कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं पक गया हूँ इनसे बात करते। भाई साहब, हेलो हेलो मोहम्मद, लगता है इनको अरबी भी नहीं आती यार, मुझे भी तो आती है, कोई अरबी ही मिल जाता। ये लगता है अंग्रेज के बच्चे हैं यार, लेकिन इंग्लिश भी तो आती है यार, कोई बात करने वाला नहीं मिल रहा, अकेला आगे फंस गया हूँ। दो चार दोस्तों के लेके आना था तब मजा आता, लेकिन बजट नहीं था भैया। पापा से कैसे कैसे करके पैसे लिए, तो चलिए कुछ दिखाता हूँ आपको कतर का मैदान और कतर के लोग। बूम। सो गाइस, ये है कतर का लुसेल स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी है 80,000 दर्शकों की। इसमें एक साथ 80,000 लोग मैच देख सकते हैं। देख सकते हैं आप ये कितना बड़ा स्टेडियम है, और मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। मैं यार क्या बताऊँ, कितना खुश हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैच कब शुरू, और रोनाल्डो से मिलूँ, और किससे मिलना है यार? मुझे सलाह से मिलना है, रोनाल्डो मिले ना मिले, सलाह मिल जाए मुझे उतना काफी है यार। बट ये मिलेंगे किधर यार? भाई साहब, ओ भाई साहब, ताल ताल मोहम्मद ताल, है ना? सुनता ही नहीं कोई यार, सुने तब तो सब अपने आप में ही बिजी हैं। चलो खैर कोई नहीं, लेकिन मोहम्मद सलाह से मिलना है, रोनाल्डो से भी मिलने की कोशिश करूंगा, उसके बाद नेमार जी यार जो है उससे मिलने की ख्वाहिश है थोड़ी बहुत, और वो कोच यार जैनुद्दीन जिदान जो था फ्रांस वाला, वो आजकल कोच बना हुआ है, उससे भी मिलूंगा मैं। वो दिख जाता ना कहीं, अभी तो मैच स्टार्ट होने में काफी टाइम है, तो अभी तो वो लोग आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, बड़े लोग हैं भाई। लेकिन कम से कम एक सेल्फी तो लेनी है जिदान के साथ, बहुत अच्छा प्लेयर था यार, बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा, लाजवाब। ये रोनाल्डो रोनाल्डो तो भाई बाद में चमके है ना, पहले तो जैनुद्दीन जिदान ही था, अच्छा खेलता था, मैंने काफी सारे मैच देखे उसके। एक बार मुलाकात हुई थी सपने में, उसके बाद कभी मुलाकात हुई नहीं है। फिर भी ताल मोहम्मद मोहम्मद आइए आइए, ताल ताल ताल, इसमें इसमें वाहिद दकीका या हबीबी ताल, पता नहीं क्या यार, सुनता ही नहीं कोई, बस खालस खालस, हबीबी हबीबी ये शादा हबीबी लेश मबी जी, है ना? अयवा माफी, वक्त माफी, बादेन बादेन। बोल रहा है कि बिजी है भैया, टाइम नहीं है कि आपसे मिले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में मिल लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते